स्टेशन आप देख सकते हैं, हमारे पीछे भवनपुर स्टेशन है और ये हमारी ट्रेन खड़ी है। तो आप देख सकते हैं तो बहुत प्यारा स्टेशन है, ट्रेन चलने वाली है। हम गाड़ी में बैठते ही ना कि हमारी ट्रेन वहाँ से मिस हो जाए। तो मिलते हैं हम आपको गाड़ी में। बहुत ठंड हो रही है यार भवनपुर के अंदर, मुल्तान से ज़्यादा फिर भी ठंड नहीं है। भवनपुर के अंदर बहुत ठंड है लेकिन मुल्तान को क्रॉस नहीं किया इसने अभी तक। ये ट्रेन हमारी चलने वाली है, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं कराची। पूछा मैंने कुछ? अब कराची जाकर वहाँ कर आपको विजिट कराएंगे लराती बिरयानी का। ओके। और आप उसे खुले स्पॉट्स पर लेकर जाएंगे। तो अगर हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, हैदराबाद क्रॉस हो गया, कोटरी का जंक्शन आता है हैदराबाद के बाद, उसे भी हमें क्रॉस कर दिया। ठीक है, दरियाए सिंध पे से गाड़ी गुजर रही है इस वक्त। दरियाए सिंध का नज़ारा चेक करें, पानी दरिया में बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, थोड़ा सा पानी मौजूद है दरिया में। और सैलाब के वक्त क्या पोजीशन होती है इसका हमें मालूम नहीं है। ये दूसरी साइड पे पुल के आम ट्रैफिक गुजर रही है। और ये देखिए बहुत बड़ा ये पुल है, ब्रिज जो बना हुआ है ये लगता है पाकिस्तान बनने से पहले का है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, आइडिया तो ऐसा ही। हाँ हाँ, रेसा लगानी है? नहीं। हेलो हेलो, रेसा लगाओ, रेसा लगाओ। ये आप देख सकते हैं, फाइनली हम कराची पहुंचने वाले हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त रवाना है। अच्छा। और कराची जाकर हम आपको अल्लाह राजी बिरयानी के पास भी लेकर जाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है, जिसके बारे में कई यूट्यूबर्स अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हम भी अब जाकर उसे चेक करेंगे कि वो बिरयानी कैसी है। समरिया, अपने मामू के घर बैठे हुए इस वक्त और हमारे सामने अल्लाह राती बिरयानी है, मजेदार और गर्मा गर्म रोटियां। ये निहारी, कराची की स्पेशल निहारी मौजूद है हमारे सामने और इसका जायका बहुत कमाल का। कराची की निहारी तो वैसे ही मशहूर है और ये दूध वाली रोटियां भी हैं। और ये सामने बैठे हैं साकिब, मेरे मामू के बैठे हैं और ये व्यक्ति का शान बना रहे हैं बिरयानी खाकर। और ये एहसन भाई, एहसन मूछों को वट दे रहे हैं। रहमान और ये मोहसिन, मोहसिन बड़ा खुश नज़र आ रहा है। मोहसिन ये हमें कल्लू चौक अल्लाह राजी बिरयानी वालों के पास लेकर गया था और इस वक्त हम सारी चीज़ें इनके साथ इंसाफ करेंगे, खाएंगे, मज़े ले लेकर खाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टेस्ट है, मज़ेदार। फरमाइश पर अल्लाह राजी बिरयानी पैक कराते हैं और आप इस शॉप का विज़िट भी करवाते हैं। तो अल्लाह राजी बिरयानी कराची में हम मौजूद हैं इस वक्त कल्लू चौक कराची में और खूब रश यहाँ पे लगा हुआ है, आवाम जोग दर जोग खा रही है बिरयानी। और इस बिरयानी के टेस्ट इतना मशहूर है कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हम भी मुल्तान से आए हुए हैं और आपको ये माहौल दिखा रहे हैं। क्योंकि ये फूड व्लॉगिंग का चैनल नहीं है और इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं हम, ये सिर्फ बच्चों की फरमाइश पर हम आपको दिखा रहे हैं। इनका किचन विजिट करते हुए किचन के अंदर देखें, ताज़ी ताज़ी खुशबुएँ फैली हुई है बिरयानी की और क्या शानदार नज़ारा है। हर तरफ बिरयानी और बीफ यखनी से भरे हुए पतीलों की लाइनें लगी हुई हैं। इनके देखिए मसालों की रेंज आपको दिखाते हैं, ये मसाले इनके, ये जो इनके अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, शानदार इनके जायके हैं। मसाले इन्हीं की बदौलत है, ये देखिए बिरयानी तैयार हो रही है, गर्म आ रहे हैं। Thank you.
अब गाड़ी भावलपुर से चल पड़ी। ढाई तीन घंटे लगेंगे। ठंड बहुत है यहाँ पे, बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। ठीक है फिर, इंशाल्लाह बात करते हैं। ठंड बहुत है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. A few moments later. Hello guys, assalamu alaikum. और आज मेरे अब्बू ले आए हैं अल्लाह राजी बिरयानी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। चल झूठा। तो आज हम आपको खा के दिखाते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। देख लो, बड़ी अच्छी लग रही है। बोटी को यूं तोड़ते हैं, खाई इसको खाते ऐसे है, कुछ बोटी पकड़ते हैं, बोटी यूं लगाते हैं यहाँ इसको। देखे आप, देखें देखे खाए। ये पहली यूं रख के दाल गर्मा गर्म, ये चम्मच गई। मजा आ गया, मजे की बड़े के गोश्त की है और बड़ा मजा आ रहा है खाने में। मेरा नहीं, ये नहीं खाना जा रही है। देखें और इस तरह खाते हैं, इतने मजे मजे की बोटियां इसमें, गली गली बोटियां। चस आ गई है इसको खा के। पूरी दुनिया में फेमस बिरयानी अल्लाह राजी बिरयानी। झूठ बोल रहा है। हाय 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 हाय। मजा आ गया, मजेदार, कमाल चस आ गया। कमाल क्या है भाई? ये यू बोटी लेते हैं, चावल लगाते हैं इससे। हमको सिखा रही है, गजब बेइज्जती है। और इसको खा के तो मजा ही आ गया गाइस। आप होते हैं, आप लोगों को भी खिलाते हैं। गाइस छोटी इसने खा ली, ये यूं लेते हैं। अगर इसको खिला रही है ना, उन्होंने लग जाएगी, बड़ा हरामी हो। और इससे मिर्चें भी लगती हैं ज्यादा, और ये चावल मिर्चे वाले हैं, थोड़े छोटे बच्चे नहीं खा सकते ऐसे।